बता दें क्योंकि दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास जहां धमाका हुआ है उस धमाके वाली जगह पर एनएसजी की टीम पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच एनएसजी करेगी। रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के पास एनएसजी पहुंच चुकी है और अब पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास जहां धमाका हुआ है कि कारण क्या है धमाके का यह पता लगाया जा सके। स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट भी मौजूद है मौके पर जो पूरे मामले की जांच करने के लिए मौके पर मौजूद है। शुरुआती जांच में कच्चा बम होने की आशंका जताई जा रही है। आप देख रहे हैं तस्वीर कि मौके पर टीम मौजूद है और एनएसजी की टीम पहुंच चुकी है मौके पर। दिल्ली में धमाके वाली जगह पर एनएसजी पहुंचा है। देखिए दिल्ली में धमाका हुआ है और इस धमाके के पीछे आखिर किसकी साजिश है ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि अभी एनएसजी की टीम मौके पर मौजूद है। पूरे मामले की अब जांच की जाएगी। आपको बता दें कि रोहिणी में आज सुबह सुबह बड़ा धमाका होता है और जांच में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है और कई सुरक्षा एजेंसी जो है वो भी पूरे मामले की जांच करने में अभी लगी हुई है। स्कूल के पास ब्लास्ट होता है, इसके बाद जो आसपास के इलाके हैं वो पूरी तरीके से दहल उठते हैं। दुकानों में जो शीशे लगे हुए हैं वो भी टूट गए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो धमाका है वो आखिर कितना बड़ा धमाका रहा होगा। तो एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बता दें आपको कि दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार में ये बड़ा धमाका हुआ है और वहां पर जांच करने के लिए टीम पहुंच चुकी है। साथ ही बता दें आपको कि सुबह 7:47 पर धमाके की आवाज सुनी गई जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। रोहिणी के सेक्टर 14 के पास सीआरपीएफ स्कूल है जहां पर यह धमाका हुआ है। सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके बाद जानकारी नजदीक के पुलिस स्टेशन में भी दी गई। धमाके से स्कूल की दीवार को नुकसान पहुंचा है और अभी शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि कच्चा बम था वहां पर। ब्लास्ट से कुछ दुकान स्टॉल के शीशे भी टूट गए हैं जिससे लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया था। दिल्ली पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही हमने आपको अभी बताया कि एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है जो पूरे मामले की हर एंगल से जांच करेगी। क्राइम ब्रांच एफएसएल की टीम भी जांच में जुट चुकी है और पूरी स्थिति की जानकारी आसपास के लोग जिन्होंने पहले की आवाज सुनी उनसे भी पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें दिल्ली से जहां स्कूल के पास धमाके का एक वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधी उस जगह की जहां पर यह धमाका हुआ है। देख रहे हैं आप एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और कच्चा बम होने की जानकारी शुरुआती दौर में मिली है। एनएसजी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। हर एक जगह जहां पर धमाका हुआ है वहां पर भी, और आप देख रहे हैं पीछे जहां टीम मौजूद है उसके बिल्कुल पीछे एक दुकान है जिसका शीशा भी टूट गया है। धमाके की आवाज से ही यह शीशा टूटा है। एनएसजी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो अधिकारी अलग अलग अधिकारी वहां पर मौजूद है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो और दूसरे अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हुए हैं वो वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करेंगे, जो लोग उस वक्त वहां बैठे हुए थे, जो वहां पर पास थे और आसपास के लोग जिन्होंने आवाज सुनी है उनसे जानकारी हासिल की जा रही है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लोमस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोमस, एनएसजी के हाथ में इस पूरे मामले की जिम्मेदारी, यकीनन बड़ा ये धमाका, और अभी वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, पूरा अपडेट दें। बिल्कुल, जांच के दायरे को लगातार ही बढ़ाया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि शुरुआती जांच में ये मालूम चल पा रहा है कि एक कच्चा बम हो सकता है और उसी को ध्यान में रखते हुए एनएसजी की टीम यहां पे पहुंच चुकी है और एनएसजी की बम स्क्वाड टीम भी पहुंच चुकी है। मैं अपने विजय को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पूरे यहाँ जो दिशा है उसको पूरी तरीके से दिखाए और जो जांच हो रही है उसको दिखाएं। और आप देख सकते हैं जो एनएसजी की टीम है वो यहाँ पे जांच करते हुए नज़र आ रही है। जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है एनएसजी की वो भी नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं पूरे इलाके को यहाँ पर घेर दिया गया है। जो आम पब्लिक यहाँ अंदर ना जा सके क्योंकि जाँच के दायरे को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा कि स्पेशल यूनिट की टीम पहुँची थी, एफएसएल की टीम पहुँची थी और साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। हालाँकि जो आसपास के लोग हैं जब ये बम धमाका हुआ तो उसके बाद काफी डर गए, काफी सहम गए। हमारे साथी भी यहाँ पे साहिल बामरी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद है और साथ ही कौन कौन अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। देखिए, दिल्ली पुलिस, जिला पुलिस के साथ साथ एडिशनल सीपी स्पेशल सेल हो गए, डीसीपी सेल, क्राइम ब्रांच के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस की जो टेरर यूनिट है उसको मौके पर बुलाया गया क्योंकि जिस तरीके से विस्फोट हुआ तो उससे कहीं ना कहीं आसपास का 500 से 700 मीटर का दायरा काफी
जोरदार धमाका हुआ, तो इससे कहने का ये अभी शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि एक धमाका है, लेकिन स्पेशल सेल की जो टीम है वो मौके पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि टेरर यूनिट का मानना है कि पूरी बारीकी से जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है लगभग 500 से 700 मीटर के दायरे के, बीते 24 घंटे की जो फुटेज है वो देखी जा रही है, जिसे कोई एविडेंस या क्लू मिलेगा तो उसके आधार पे ही इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी की शुरुआत यह है कि एनएसजी जो है बॉम्ब स्क्वाड टीम वो मौके पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड टीम मौजूद है, और यही माना जाता है कि आखिरकार कौन लोग थे, ये विस्फोट जो हुआ है ये किस तरीके से का विस्फोटक है, क्योंकि आसपास की लगभग 100 मीटर की जो दुकानें हैं उनका बाहर के जो गेट है उनको नुकसान पहुँचा, गाड़ियों के जो शीशे हैं वो टूटे हैं। लेकिन शुरुआती की जाँच कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस की टीम पहुंच पाई। बिल्कुल, यहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और साथ ही एनएसजी की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूरे इलाके को जांच पड़ताल किया जा रहा है। और यहां पे आप देख सकते हैं एनएसजी की जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है उन्होंने काम करना शुरू कर चुकी है और एनएसजी की टीम यहां पे पहुंच चुकी है, उनके द्वारा यहां पर पूरे इलाके को जांचा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, और देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल के बाद के सामने आता है। हालांकि जो पूरा इलाका है उसको पूरी तरीके से घेर दिया गया है, आसपास के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो लगातार डरे हुए हैं, क्योंकि इस तरह का पहले धमाका कभी इस इलाके में नहीं देखा गया है। और आपको जानकारी दे दें कि ये यहां पर सीआरपीएफ का स्कूल है और स्कूल के उस वॉल के पास ये धमाका हुआ है, जहां पर हमारे वीजे लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो पहुंची हुई है, बम स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है, और साथ ही जो स्पेशल सेल की टीम है वो भी पहुंची हुई है। यहां पर ये कहा जा रहा है कि कच्चा बम हो सकता है, उसी की जाँच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो जाँच पड़ताल का एंगल है वो लगातार बदल बदल के यहाँ पर खंगाला जा रहा है, और साथ ही देखिए आप एनएसजी की टीम यहाँ पे काम करते हुए दिख जाएगी। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी यहाँ पे जमा हो चुके हैं, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं जब ये बम धमाका हुआ कह सकते हैं, जो धमाका हुआ उसके बाद काफ़ी डर गए थे काफ़ी टाइम के। आप यहीं पर रहते हैं भाई साहब, क्या आवाज़ आई थी? आवाज़ बहुत तेज आवाज़ आई थी, हम तो घर में बैठे हुए थे, एकदम तेज आवाज़ आई, तो मिसेज मेरी बाहर थी, मैं सोया ही हुआ था, तो उसके बाद मतलब कि गली में हम घूमकर इधर आए तो काफ़ी भीड़ भाड़ लगी हुई थी, तो फिर मैं देख दाख कर चला गया, फिर आया देख रहा हूँ कि सब। बिल्कुल, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। धमाका आपने सुना होगा? धमाका सुना था, लेकिन मैं घर पे था। धमाका तेज था, आवाज़ तेज आई थी, हम समझ नहीं पाए क्या हुआ है। बिल्कुल, कुछ लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन कई और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश। आप लोग भी यहीं रहते हैं? नहीं, रहते नहीं, एक ऑफिस है हमारा पास में, इसी बिल्डिंग ये वाला। अच्छा, ऑफिस है, तो आपने धमाका सुना? नहीं, धमाका नहीं सुना, उसके बाद हम लोग आए जब मालूम चला। अच्छा। तो यहाँ पे देखा कि सारा धुआं वहाँ थोड़ा निकला हुआ। बिल्कुल, आपने देखा था? हाँ बिल्कुल देखा था मैंने। क्या हुआ था? मैं सुबह जब 7:42 के करीब, मैं इतनी तेज धमाके का आवाज आई, पता नहीं क्या बम फट गया, क्या मतलब सिलेंडर फटा, क्या कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ निकला बाहर मेन रोड पे, इधर से देखा तो इतना ज़्यादा धुआं था, 200 मीटर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, और उसके अंदर इतना ज़्यादा स्मेल थी, इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि आप सांस लेना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद ही वो धुआं हटा, तब देखा कि हाँ इस तरह का ब्लास्ट हुआ है। तो लेकिन कैजुअल्टी कोई नहीं हुई, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं कईयों के। आप लोगों ने जो धमाके की आवाज़ सुनी, और धमाके की आवाज़ सुन करके फिर आप पहुँचे होंगे यहाँ? हाँ, धमाके के बाद ही पहुंचे थे, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या मतलब इतना ज़्यादा तेज था कि जैसे धमाके की इंटेंसिटी बहुत तेज थी, बहुत तेज थी, दूर तक उसकी आवाज़ आई थी, हमारे घर तक भी, जो काफ़ी दूर है। कम से कम आदमी ये सोचो कि 200 मीटर तक तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था उस समय। उसके बाद आधे घंटे बाद जब क्लियर हुआ थोड़ा सा, तब देखा तो यहाँ ऐसे मतलब गड्ढा हो गया था उधर, तो फिर समझ में आया कुछ ब्लास्ट हुआ होगा। देखो वो तो अब यही पूरी बात बता पाएंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हुआ। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन अब एनएसजी के द्वारा किया जा रहा है, और पूरे इलाके को देखिए घेर लिया गया है, और एफएसएल की टीम भी लगातार ही यहां पर जांच करते हुए नजर आ रही है। जो सैंपल यहां पे कलेक्शन का काम शुरू हो चुका है, एनएसजी की जो बम स्क्वाड टीम है वो भी पहुंच चुकी है, उनके द्वारा भी यहां पर सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है, और कलेक्शन करने के बाद जो लैब में भेजा जाएगा इस पूरे सैंपल को, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किस फ्रीक्वेंसी का ये बम था, क्योंकि कहा जा रहा है कच्चा बम हो सकता है, उसी को जांच यहां पे करने के लिए एनएसजी की टीम यहां पे पहुंची हुई है। देख सकते हैं यहां पे जो दिल्ली पुलिस की और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी यहां पे पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, बॉम्ब स्क्वाड पहुंची हुई है, और साथ ही डॉग स्क्वाड की भी टीम पहुंची हुई है। और देखिए वहां पे मेटल डिटेक्टर से देखा जा रहा है, जांच करने का काम किया जा रहा है, और यहां पर मेटल डिटेक्टर लगा करके जांच किया जा रहा है, पूरे इलाके को जांच करने का काम किया जा रहा है, जिससे यह मालूम चल पाए कि आसपास के इलाके में तो कोई दूसरा बम ना हो।
तो उसको भी यहाँ पे एक देखने का काम किया जा रहा है। देखिए जो दूसरे एनएसजी के जवान हैं वो पेड़ को भी देख रहे हैं और आसपास के जो पूरे इलाके को वो देखने का काम कर रहे हैं कि कोई और दूसरा यहाँ पे बम तो नहीं हो है, उसको भी यहाँ पे जांचने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पे मौके पर लगे हुए हैं और पूरे इलाके को यहाँ पे घेरा गया है, पूरे इलाके को घेराबंदी की गई है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो अभी भी डरे हैं, सहमे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। आप लोग भी यहीं रहते हैं? आप लोग भी यहीं रहते हैं? तो क्या हुआ था? आवाज़ सुनाई दी? नहीं, हमें सुनाई दी, हम थोड़े पीछे रहते हैं, हमें सुनाई नहीं दी आवाज़। पीछे ही है मेरा घर, बिल्कुल पीछे ही है, CRPF से दीवार लगती है, रोज़ अपार्टमेंट में रहते हैं और मेरे फादर इन लोग वॉक कर रहे थे, उन्होंने देखा था, एकदम ऐसा लगा जैसे एक सिलेंडर फटा या कुछ ऐसा हुआ और धुआं बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा धुआं था और हमें भी मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, हमें लगा कोई सिलेंडर वगैरह फट गया, बट धुआं बहुत ज़्यादा था तो लगा नहीं कुछ और है।